सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो रेस्ट्रिक्टेड है ओनली फॉर लेडीज एंड ओनली फॉर लेडीज। दूसरे व्यूवर्स देख रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए, आप प्रिपेयर्ड हैं? तो सबसे पहला मैं बोल दूं, मेंस्ट्रुअल कप, अगर आपने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में नहीं सुना है या आपको पता नहीं है ये कैसा होता है, क्या है ये मेंस्ट्रुअल कप, मैं सिंपली बता दूंगी, आपको दिखा दूंगी। देखिए, ये रहा मेंस्ट्रुअल कप, जो इस तरह से छोटा खिलौने की जैसे दिखता है, अंदर स्पेस है एंड छोटा सा टेल है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल कप, डिजाइंड ओनली फॉर लेडीज। लेडीज का मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो होता है, हर महीना जो हम खर्चा करते हैं पैड्स के ऊपर, कितना महंगे महंगे पैड्स के ऊपर हम खर्चा करते हैं, रो हर महीने पैसे लगाते हैं उन पे, सोचिएगा कितना सारा पैसा हम वेस्ट कर रहे हैं पैड्स के लिए, जो हम जस्ट यूज़ करते हैं एंड जस्ट थ्रो इट, किसी काम का नहीं है, पैसे तो वैसे भी जा रहे हैं। तो उसके लिए, उस रीज़न की वजह से और हमारा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि पैड्स तो डिकम्पोज नहीं होते हैं, डिस्पोजेबल नहीं होते हैं, वो ऐसे के वैसे ही रह जाता है एंड वो गंदगी मचा रहा है, राइट, एनवायरनमेंट स्पॉइल हो रहा है एक तरफ से। तो उसे बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए खासकर लेडीज़ के लिए बनाया गया हुआ ये एक सिंपल सिलिकॉन बेस्ड मेंस्ट्रुअल कप है। ये बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, देखते ही डर लगेगा ज़रूर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है। जब मैंने स्टार्टिंग में इसे देखा था, आई वॉज लाइक व्हाट इज़ दिस, इतना बड़ा क्यों है ये, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, विल आई बी यूजिंग इट और नॉट, ये मेरा रिएक्शन था जब मैंने पहली बार देखी थी, बट आई वॉज रॉन्ग। दिस विल चेंज योर लाइफ, इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिएगा, एक बार आप इसका फ्रेंड बन जाएंगे, मतलब जब ये आपका जस्ट व्हेन यू आर वेरी फ्रेंडली विथ इंसर्टिंग एंड रिमूविंग, यू विल बी जस्ट बिकम अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ दिस एंड पैड्स को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्लिप देख लीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊँगी इसे कैसे यूज़ करना है और डूज एंड डोंट्स भी बता दूँगी। तो लौट आइएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक और देंगे इसको। 13 का मेंस्ट्रुअल कप है ये, रीयूजेबल फॉर एज लॉन्ग एज 10 ईयर्स, लीक फ्री प्रोटेक्शन फॉर अप टू 12 आवर्स। तो आपको ये 10 साल तक यूज़ कर सकते हो एंड इसका आपको 12 आवर्स तक का लीक प्रोटेक्शन मिल जाता है, यानी कि आप 12 आवर्स के में एक बार चेंज कर सकते हो। एवर्टीन ब्रांड का है, आप देख सकते हो ये कितना अच्छा ब्यूटीफुली पैक्ड कार्डबोर्ड में आता है, और मैंने लिया है यहाँ पे एल लार्ज साइज़, 30 ml तक का ये ब्लड जो होता है पीरियड्स का वो कलेक्ट कर लेता है एक कप में। एंड इस तरफ आएंगे तो ये एवर्टीन के कप के बारे में बताते हैं, एवर्टीन मेंस्ट्रुअल कप प्रोवाइड्स यू कंफर्टेबल पीरियड एक्सपीरियंस विथ 12 आवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। एवर्टीन मेंस्ट्रुअल कप इज मेड ऑफ मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, is soft, easy and 100% safe to use. Evertin menstrual cup gives you freedom to perform all your activity, yoga, dance, swim and others. तो यहाँ पे manufacture date दिए गए हैं and इसका expiry date आप देख सकते हो 2018 से 2027, यानी कि 10 साल तक इसका expiry date दिया गया है। and MRP देखिए इसका 455 rupees only, and you're paying this amount फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स को एक बार ये अमाउंट पे करेंगे तो ये कप बड़ी आराम से 10 साल तक आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे आपको इस डिब्बी को खोल के बताऊँगी, जब आप इसे इस तरह से खोलेंगे, ये रहा उनका ट्रेडमार्क, वेरी नाइस, डिज़ायरेबल ऑलवेज। एंड यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर एक पोटली है, वेरी ब्यूटीफुल क्लॉथ मटीरियल है ये। एंड जब मैं इसे खोलूँगी, आपको ये पोटली कुछ इस तरह का शाइनी मटेरियल क्लॉथ में मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एंड दैट्स इट। सी दिस सो ब्यूटीफुली पैक्ड डिब्बी है ये, वेरी यूजफुल, आपके हर एक डाउट इससे क्लियर हो जाता है। ओके, तो कमिंग टू द पोटली, पोटली मैं इस तरह से खोलूँगी एंड सी द ब्यूटीफुल पैकेजिंग इस तरह से आता है।
से लूजन करना है। और अगर आप इधर देखेंगे तो दिस इज अगेन केप्ट इन अ कवर, दिस इज अ मेंस्ट्रुअल कप, इसे निकालना है एंड देख सकते हो कितना सॉफ्ट मटेरियल है ये। एंड दे हैव अ होल ओवर हियर एंड इस तरफ भी होगा, सी हियर। सो दिस इज जस्ट बेसिकली टू रिमूव द एयर। जब आप इंसर्ट करोगे एक वैक्यूम भर जाएगा, जब आप खोलोगे तो वैक्यूम प्रेशर जो होता है वो वापस आता है। तो ये जस्ट टू हैव अ एयर इन एंड आउट। एंड देयर इज अ टेल विच हैज़ दिस एंड ये बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, वेरी सॉफ्ट मटेरियल है। आप कैसे भी करके देखो ये बिल्कुल भी डैमेज या टेयर या कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ये एक टेल है जहाँ आपको एक सपोर्ट मिलेगा टू इंसर्ट एंड पुल आउट। तो ये रहा मेंस्ट्रुअल कप, इसमें सॉरी जस्ट 455 रुपीज़ में आपको ये एक डिब्बी 10 साल तक काम आएगा। 10 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, एक ही कप 10 साल तक कितने पैसे आप बचा सकते हो, कितना पैसा आप जमा करके कुछ और के लिए यूज़ कर सकते हो, सोचिएगा। तो 10 साल तक ये एक कप यूज़ करने वाला कप को आप कैसे यूज़ कर सकते हो उस प्रोसेस को मैं बोल दूँगी। सबसे पहला जब आपको ये कप रिसीव होगा मंगाने के बाद, इसे सबसे पहले स्टेरिलाइज कर लीजिएगा। अगर आपके पास इंटीमेट वॉश है अलग सा, उसमें आप अच्छे से धो के गर्म पानी में स्टेरिलाइज कर दीजिएगा। स्टेरिलाइज करने के बाद इसे अच्छे से सुखा लीजिएगा, उसके बाद आप इसे यूज़ करेंगे। यूज़ करने का पहले बार मतलब फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे आपको ज़रूर डर लगेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट कीप दिस इन योर हैंड, जस्ट बैठ जाइएगा जहाँ भी आप बैठे हो या है, जस्ट बैठ जाएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा एंड 5 बार जस्ट सांस से ले लीजिएगा, आराम से ले लीजिएगा और छोड़िएगा। इस तरह से करने से आपका माइंड एक तो कूल हो जाएगा एंड उस टेंशन से ज़रा से बाहर निकलेंगे। माइंड को पहले कूल करना है, बॉडी को ज़रा से कामनेस देना है, डरना नहीं है, उसके बाद आप इसे इंसर्ट करेंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप डर के करेंगे ना वो काम नहीं करेगा, वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए पहले काम हो जाइएगा, काम योर सेल्फ, कूल हो जाएगा, उसके बाद स्क्वाट पोजीशन में बैठिएगा। इसे आपको करने के लिए आपके बाथरूम में ही रहना है, बाथरूम में जाइएगा, स्क्वाट पोजीशन में बैठिएगा, एक पाँव आगे और एक और पाँव पीछे, ज़रा सा आधा बैठिएगा, हाफ सिटिंग जो बोलते हैं। हाफ सिटिंग करने के बाद मैं बोलूँगी यहाँ पे तीन तरीके बताऊँगी, तीन तरीके में आपको कौन सा सूट करेगा वो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला तरीका होगा इसे इस कप को इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा एक लाइन, उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा जो ये बन जाएगा सी पोजीशन, और इसे आप आपके वेजाइनल एरिया में इस तरह से इंसर्ट करेंगे। ओके, दूसरा भी बता दूंगी। अब ये कप है, इसे आप इस तरह से होल्ड कर लीजिएगा, एक फिंगर इस तरह से डालिएगा, प्रेस कीजिएगा, जस्ट पुश इन, इस तरह से वो फोल्ड हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, मतलब ये ज़रा से छोटा हो जाएगा, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़रा सा छोटा हो जाएगा। और इस पोजीशन को आप अंदर डालेंगे, आपके वेजाइनल एरिया में डालेंगे इस तरह से। ओके, तीसरा पोजीशन भी बता दूंगी जो मेरे को बहुत ही इफेक्टिव लगा। हाँ, और मैंने इसे देखा था सोनिया तिवारी जी को करने एंड आई वाज सो सरप्राइज, थैंक यू फॉर हर, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही यू नो आई चेंज माई लाइफ, उसके बाद ही मैं इसे यूज़ करना हो पा रहा था मेरे को। अदरवाइज़ जो बाकी का दो तरीके थे वो काम नहीं किया था, मेरे को ऑलमोस्ट 3 महीना लग गया था इसे यूज़ करना। तो इस तरह से फोल्डिंग कर लीजिएगा एज अ चपाती रोल, चपाती को कैसे रोल करते हो वैसा रोल करो, इसे अच्छे से एक तरफ से दूसरे तरफ तक रोल करते आओ, ये एकदम छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा, बहुत ही छोटा, ये बहुत ही आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। मान लीजिएगा अब ये आपके वेजाइनल एरिया है और आप
क्वाड पोजीशन में ही बैठना है इसे इंसर्ट करने के लिए, बहुत ही इजी से वो अंदर चला जाएगा। तो स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। मान लीजिएगा ये आपका वजाइनल एरिया है एंड इसे आप इस तरह से इंसर्ट कर रहे हो, और जब ये इंसर्ट कर रहे हो और इसे आप छोड़ देंगे, ज़रा अंदर छोड़ने के बाद इस तरह से वो खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। आपको फट करके एक आवाज़ आएगा, बिल्कुल ना डरे, इट्स जस्ट दिस पोजिशन। ये खुल जाएगा अंदर जाके और ज़रा सा हवा इसमें भर जाएगा और ये वैक्यूम भरते ही अंदर खींच लेता है, अपने आप खींच लेता है, इस तरह से चला जाएगा। एंड जो बाकी का हिस्सा है यहाँ पे टेल, जो टेल यहाँ पे रह जाता है बाहरी, इसे आपको अंदर छोड़ना पड़ेगा इस तरह से। जस्ट पुश इन साइड अप टू योर वन फिंगर, उतना अंदर इसे पुश करेंगे। ओके, तो जब आप पुश करेंगे और आपको कुछ फील नहीं हो रहा है एंड आप बिल्कुल नॉर्मल सा फील हो रहा है आपको, दैट मीन्स ये जो कप है अंदर जाके सही जगह पे बैठ गया है। और अगर आपको ज़रा सा पेन सा फील हो रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट सा हो रहा है, ज़रा सा लग रहा है कि कुछ वहाँ पे है, तो उसका मतलब है कि ये कप जो है वहाँ पे ठीक से नहीं बैठा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से इसे खींचेंगे। खींचने के लिए ज़रा सा हाथ फिंगर, इन दोनों फिंगर को यूज़ कीजिएगा, इस तरह से रखिएगा, जस्ट प्रेस इन लाइक दिस। ओके, प्रेस करते ही आराम से निकल के आ जाएगा। और एक बात, जो भी आपको तरीका कंफर्ट लगता है वो तरीका यूज़ करिएगा और इसे इंसर्ट कर लीजिएगा। इंसर्ट करने से पहले आपके हाथ ज़रूर धो लीजिएगा, अगर नाखून है बहुत ही केयरफुल से इंसर्ट कर लीजिएगा। अगर आपका नाखून वैजाइनल एरिया पे लगेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शंस होने की चांसेस हो जाएगा। एंड अगर आपके हाथ गंदा है और उसी तरह से आप इसका मेंस्ट्रुअल कप को छीरे हो और इंसर्ट करने जा रहे हो तो इन्फेक्शंस ख़राब हो जाएगा एंड दैट विल बी अगेन अनदर पेन। तो इसलिए हैंड्स को क्लीन रखिएगा, कप को स्टेरिलाइज करके क्लीन करके रख लीजिएगा बिफोर यूजिंग दिस। तो ये था कुछ डूज एंड डोंट्स एंड मैंने तीन तरीका बता दिया, जो भी तरीका आपको अच्छा कंफर्ट लगता है यूज़ कर लीजिएगा। एंड इसे इसमें आपको वैरायटी ऑफ कलर्स मिल जाएंगे, अगेन इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड्स कौन से कलर्स वो लोग छोड़ते हैं। मैंने पिंक मंगा लिया था, इसमें येलो एंड ग्रीन था शायद, मेरे को उतना याद नहीं है। ईयर बैक, वन ईयर बैक मैंने इसे लास्ट ईयर मंगाई थी एंड आई एम सो कम्फर्टेबल विद दिस। इसे पहन के आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप पीरियड्स में हो, तो उस तरह का काम करता है, वेरी फ्रेंडली है ये। लेकिन आपको हर अगर आपको हैवी फ्लो हो रहा है, इसे हर 5 या 6 घंटे को एक बार चेंज कर लीजिएगा, मतलब इसे निकालिएगा, इसमें जो भी ब्लड कंटेंट रहेगा पोर कर लीजिएगा, आराम से हाइजीन इंटीमेट वॉश जो होता है उसमें से वॉश कर लीजिएगा। अगर आपके पास इंटीमेट वॉश नहीं है, आपके हैंड वॉश जो भी होता है उसी से इसे अच्छे से धो लीजिएगा, और अच्छे से धोने के बाद इसे इंसर्ट कर लेना है। ओके, सभी आपका पीरियड्स होने के बाद इसे स्टेरिलाइज करके आपके बैग में स्टोर कर लेना है। तो इस तरह से हर महीना हाइजीन मेंटेन कीजिएगा ताकि ये बहुत ही फ्रेंडली से रहे हमारे साथ, ठीक है। ओके, तो ये रहा कुछ डूज एंड डोंट्स। अब इसे कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, ये है लार्ज साइज़ मैंने मंगा लिया है। तो अगर आप स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग उस एज की लड़की हो, आप स्मॉल मंगा ले सकते हो, दैट बी वेरी परफेक्ट फॉर यू। अगर आप जस्ट मैरिड हो मीडियम भी चलता है, एंड अगर आपके बच्चे हुए हैं मेरे जैसे, लार्ज यूज़ कर सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। इसे एक बार यूज़ करके देखिएगा, दो बार ट्राई कीजिएगा, नहीं हो पा रहा है मत चूड़िएगा, दोबारा ट्राई कीजिएगा, ना डरे। ओके, हो आपके नो आपके आपसे हो पाएगा, तो ज़रूर ट्राई करना। एंड लेट सेव द एनवायरनमेंट। ओके, तो पैड्स बिल्कुल भूल जाएंगे, इससे क्या होगा, हमारा पैसे भी बचेंगे, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, नेचुरल रहेगा, ख़राब नहीं होगा, और इसे यूज़ करते करते हम भी फील हैप्पी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है, कुछ डाउट्स रह गए हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, आपको अभी भी डर लग रहा है, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय।